और नाइट्रोजन की क्या हो रही है? सो दिस इज ऑक्सीडेशन एंड दिस इज रिडक्शन बाय ए. ठीक है जी, ये स्टेप क्लियर है? नेक्स्ट उसके बाद वी हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस एंड द रिडक्शन हाफ रिएक्शंस. तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या बनेगी? ऑक्सीडेशन इसकी हुई है तो एल्यूमिनियम जो है वो किसमें चेंज हो गया? AlOH4- नेगेटिव में. अब इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं? हाँ जी, 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो प्लस 3 इलेक्ट्रॉन. ओके, अब एल्यूमिनियम बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है. सबसे पहले ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, क्या करेंगे? इधर 4 वाटर अटैच करेंगे, ठीक है, और बेसिक है तो चार्ज भी बैलेंस करेंगे. उसके बाद हाँ जी देखो उधर कितना इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उधर, ठीक है. इधर कितना चार्ज लगाना पड़ेगा? इधर 4OH नेगेटिव लगाया तो उधर कितने वाटर लगाएंगे? क्लियर है? ठीक है, पहले आपने ऑक्सीजन बैलेंस करना है. जितना ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए वाटर लगाना पड़ेगा वो हमने ऐड कर देना है यहाँ पे. उसके बाद चार्ज बैलेंस करना है. चार्ज बैलेंस कैसे होगा? OH नेगेटिव आयंस लगा के. इधर देखो 3 और 1, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 4 नेगेटिव है तो 4OH नेगेटिव लगा दिया. जितना OH नेगेटिव लगेगा उतना वाटर आपने दूसरी साइड ऐड कर देना. ओके, तो इसको थोड़ा सा सही करके लिख लेते हैं इक्वेशन को. अब ये देखो इधर भी 4 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 4 इलेक्ट्रॉन है, इट कैन कैंसिल आउट, ठीक है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड जो है. तो आपके पास इतनी इक्वेशन बची है. अब उसके बाद रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखते हैं. रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या होगा? ये जो NO3 नेगेटिव है इट विल गेन इलेक्ट्रॉन्स. कितने गेन करेगा? 8 टू गिव NH3. ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए कितने लगाऊंगी बेटा मैं वाटर? हाँ जी, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए कितने वाटर अटैच करेंगे? किधर? अमोनिया साइड, ठीक है. अब नेक्स्ट बताओ इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर? 8+1, 9. तो इधर कितने लगाऊंगी मैं? 9OH. और इधर कितने हाइड्रोजन ऐड करेंगे? नो, इधर वाटर ऐड होगा, 9 वाटर ऐड होगा, ठीक है, क्लियर है. अब इसको खोल लो इक्वेशन को. ये 9 है और ये 3 है, ठीक है.
तो ये वाला जो है कैंसिल करके यहीं पे 6 लिख देते हैं। जिस साइड ज्यादा होगा उस साइड आपने लेके आना है वाटर को। 9 तरफ ज्यादा था ना, तो ये वाला 3 इधर को लेके आई हूँ मैं, तो माइनस कर दिया। चलो अब इक्वेशन को करो इकट्ठा। अभी 8 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी? इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, अमन किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी? 8 इधर किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 3, ठीक है, इंटू 8 इंटू 3 करो और बताओ मुझे आंसर। हाँ जी, 9 नहीं है बेटा, 8 है, ये देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, वो चार्ज है बेटा, 9 चार्ज है ना, 8 + 1 9, ठीक है, 9 चार्ज है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। चलो करो इसको और आंसर बताओ मुझे, मल्टीप्लाई करके इन इक्वेशंस को जोड़ो एक साथ और आंसर बताओ मुझे, फाइनल आंसर क्या आ रहा है आपका, मैं इसी में ही मोल्ड कर दूंगी। ये 2 इक्वेशंस हैं आपके पास, नमन तो करके नहीं ना आता है, हर बार ही बोल देता है दूसरी कॉपी में है, फिर लेके आएगा कॉपी किसी दिन। ठीक है जी, तो फाइनल इक्वेशन देख लो, दिस इज 8 एल्यूमिनियम प्लस 3 NO3 नेगेटिव प्लस 5 OH नेगेटिव, तो जब आप इस सारे को सॉल्व कर लोगे आपका आंसर ये आएगा, प्लस 18 वाटर, इट गिव्स वाटर मॉलिक्यूल सारे इकट्ठे कर लेना, ठीक है, स्कैटर्ड मत रखना। तो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है जी, दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस बैलेंसिंग इक्वेशन, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, राइट डाउन द नेक्स्ट रिएक्शन। कितने? हाँ चलो बेटा लिखो, एसिडिक मीडियम की बैलेंसिंग दे रही हूँ अब मैं, ठीक है, थैंक यू गौरव भैया। CLO3 नेगेटिव प्लस Mn2 पॉजिटिव, इट गिव्स MnO2 एंड Cl नेगेटिव, एंड दिस बैलेंसिंग इज इन एसिडिक मीडियम। चलिए करिए स्टार्ट और मुझे आंसर बताओ। अब हमने एसिडिक और बेसिक दोनों की कर ली हुई है, आज आपका इस चैप्टर का टेस्ट भी है, ठीक है, ओके। तो टेस्ट में भी बैलेंसिंग के क्वेश्चन होंगे या ऑक्सीडेशन नंबर के, ठीक है, या कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है, कितना ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज है, ऐसे क्वेश्चंस ही होंगे। पहले ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो सबसे और मुझे बताओ। Mn2 पॉजिटिव है तो उसका तो 2 पॉजिटिव आएगा, MnO2 में बताओ +4, Cl नेगेटिव का -1, ठीक है बेटा, तो इसका +5 है, +2 +4 एंड -1। ऑक्सीडेशन किसकी हुई है? MnO2 ऑक्सीडेशन हुई है बाय कितने से? बाय 2।
ठीक है, तो Mn2 पॉजिटिव, इट गिव्स MnO2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, हाँ जी नंबर नेक्स्ट स्टेप इधर कितने ऐड करूं, नेक्स्ट स्टेप बोलो, समझ नहीं आ रहा मुझे, मास मुझे ये रिडक्शन है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन है नहीं, इसको बैलेंस तो करना पड़ेगा ना, अभी ऑक्सीजन इज नॉट बैलेंस्ड, क्या करेंगे, टू वाटर ऐड करेंगे प्लस टू एच टू ओ, इट गिव्स MnO2 प्लस टू इलेक्ट्रॉन। उसके बाद एसिडिक मीडियम है, अगर मैंने इधर दो वाटर ऐड किए हैं तो कितने हैं, इधर हाइड्रोजन टू है, फोर एच पॉजिटिव। ठीक है जी, अब हम लिखेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन, करिए रिडक्शन हाफ रिएक्शन कंप्लीट एंड गिव मी द आंसर। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में CLO3 नेगेटिव, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करूं मैं, सिक्स इलेक्ट्रॉन, सिक्स इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है, नंबर लाइन पे देखो, तो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, ठीक है, तो हम सिक्स इधर आए, ओके, तो फाइव से हम माइनस वन पे आए हैं, तो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स का चेंज हुआ है, ओके, डेट इज गिविंग यू सीएल नेगेटिव। हाँ जी जैकलिन बोलिए नेक्स्ट क्या करें, यस जैकलिन नेक्स्ट, सिक्स क्यों ऐड करेंगे बेटा, कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे है, तो फिर सिक्स क्यों ऐड करेंगे। हाँ जी सहज नेक्स्ट स्टेप, एच पॉजिटिव आयन सिक्स है, ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शंस हो गई हैं बैलेंस्ड, ठीक है, अब नेक्स्ट बताओ क्या करना है, इस रिएक्शन को थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं, थ्री टू का सिक्स बन जाएगा, देन वी विल बी कंबाइनिंग देम, करो कंबाइन और मुझे फाइनल आंसर बताओ, कंबाइन इट एंड गिव मी द फाइनल आंसर। हाँ जी क्लियर है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स इज इट क्लियर, यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स इज इट क्लियर, यस मैम, चलिए कॉल करो साथ साथ में, ठीक है, और मुझे आंसर बताओ, व्हाट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस, थ्री एम एन टू पॉजिटिव, आगे जैकलिन नेक्स्ट बताओ, कर लिए सॉल्व, प्लस सिक्स एच टू प्लस सी एल ओ थ्री नेगेटिव, उसके बाद प्लस थ्री वॉटर, हाँ जी नंबर नेक्स्ट आप बताओ, थ्री एम एन ओ टू नेगेटिव, 3MnO2 plus 6H positive plus CNO, ठीक है जी, this is the final equation, our balanced equation, okay, चलिए next write down, done, हो गई, अब कर दो, नेक्स्ट राइट डाउन पी फोर प्लस ओ एच नेगेटिव, इट गिव्स पी एच थ्री प्लस एच टू पी ओ टू नेगेटिव,
अभी थोड़ी सी डिफरेंट है, आपने ढूंढना है किस एस्पेक्ट में ये थोड़ी सी डिफरेंट है। जो अभी तक आप रिएक्शंस करके आए हो उनसे थोड़ी सी ये डिफरेंट है, मीडियम बेसिक है, मीडियम बेसिक है, डिफरेंस ढूंढो बस। लेकिन मुझे देखने दो, मीडियम बेसिक ही है, मैंने लिखा नहीं है। हाँ बेसिक मीडियम में है ये। दिस यू हैव टू बैलेंस आउट इन द बेसिक मीडियम। बाकी रिएक्शन से डिफरेंट कहाँ है, किस चीज में डिफरेंस है यहाँ पे ये बताओ मुझे। So yes, Raman, that is right. Mila, difference? Reactant side देखो, phosphorus है। Product side देखो, product side देखो, जो products आए हैं आपके, उन दोनों में phosphorus है। रिएक्टेंट साइड एक फास्फोरस है, प्रोडक्ट साइड दोनों प्रोडक्ट्स जो आपके प्रोडक्ट्स आए हैं उन दोनों में फास्फोरस जो है वो कॉमन है। यानी कि यहाँ पर जो एलिमेंट फास्फोरस है, द सेम एलिमेंट दिस वन, इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड आल्सो एंड इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड आल्सो। ठीक है, तो यहाँ पर जो P4 है वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और वो रिड्यूस भी हो रहा है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालो सब। Find out the oxidation state, किसकी oxidation हुई है, किसकी reduction हुई है। Find out the oxidation and the reduction. Yes, Raman, you are right, Vita. चलो Raman, मुझे balancing भी बता दे फिर। बैलेंस इक्वेशन बता दो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का चेंज देख लेना बेटा। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू वन, कॉरेस्पॉन्डिंग टू टू चेंज देख लेना अपने आप। ये जीरो है यहाँ पे, पी फोर है ना, एंड एलिमेंटल स्टेट है, सो दैट इज जीरो। पीएच थ्री में कितना आया है, प्लस थ्री कैसे हो जाएगा, हाइड्रोजन तो प्लस थ्री आएगा ना, हाइड्रोजन का प्लस थ्री आएगा तो फास्फोरस का। फास्फोरस का माइनस थ्री नहीं आएगा, एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, माइनस थ्री। फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है नाइट्रोजन से। यहाँ पर नाइट्रोजन का केस भी डिस्कस कर रहे हैं हम, हाइड्रोजन के साथ लेना है। हाँ तो फॉस्फोरस इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन वाली सीरीज में चल रहा है। अगर नाइट्रोजन फॉस्फोरस है तो उसके नीचे वाले भी तो हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, चाहे उससे कम है बट दे कम अंडर द कैटेगरी। हाँ जी, एच टू पी ओ टू में बताओ, प्लस प्लस टू थ्री नहीं है, माइनस नहीं है, कैसे निकाल रहे हो ऑक्सीडेशन स्टेट्स बताना जरा मुझे। टू एक्स नहीं, टू प्लस एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वन, x is equal to minus 1 plus 2, x is equal to 1. क्या हो गया? ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखो। ऑक्सीडेशन हुई किसकी है पहले ये बताओ, इंक्रीज किसका हुआ है? इसका। ठीक है, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय कितने से हुआ है,
कितने से हुआ है? बस नमन बस 1 into 4 अभी बोला मैंने, नंबर देखना है हमने, ठीक है। और दूसरे का डिक्रीज कितने से हुआ है? सेकंड का डिक्रीज कितने से हुआ है? तो इसी को ही लेंगे हम एंड वी विल बी अप्लाइंग हियर, ठीक है। तो डिक्रीज बाय थ्री इंटू फोर, यानी कि ठीक है। चलो अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस, रिडक्शन हाफ रिएक्शंस लिखो और फाइनल आंसर बताओ। हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यू आर डूइंग साइड बाय साइड, कर रहे हो ना? कौन सी बोल रहे हो? अच्छा बोलो। हाँ P4 और किसी की ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हुई है इसकी P4, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू H2PO2 नेगेटिव बाय गिविंग 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही हुआ, ठीक है। अब इस साइड कितने वाटर अटैच करूं मैं? है हाँ, फास्फोरस को पहले बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 4 लग गया। अब कितने लगाऊं मैं वाटर? 4 2 8 हो गए, तो 8 वाटर अटैच होंगे। अब चार्ज बैलेंस करेंगे, 5 कैसे हो गया? 4 नेगेटिव है, 4 नेगेटिव एंड 4 नेगेटिव 8 नेगेटिव, तो प्लस एट ओ एच नेगेटिव, ठीक है। और इधर कितने ऐड करूं मैं? 8 एच टू, ठीक है। तो ये 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, ओके। सो वी आर लेफ्ट विद P4 प्लस 8 ओ एच नेगेटिव, H2PO4 2 नेगेटिव, ठीक है, एंड 4 इलेक्ट्रॉन, ओके। तो ये दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी फाइनल रिएक्शन आएगी P4। सो दिस इज योर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन निकाल लो। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन में P4 में 12 इलेक्ट्रॉन्स आपने ऐड करने हैं एंड इट इज गिविंग यू PH3। अगेन वी विल बी बैलेंसिंग फॉस्फोरस फर्स्टली, ठीक है। चार्ज बैलेंस करेंगे, चार्ज बैलेंसिंग के लिए मैं यहाँ पर 12 OH नेगेटिव आयंस लगाऊंगी और इधर 12 ही वाटर आएंगे। देखो तो जरा बैलेंस्ड है, सी इफ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड इन टर्म्स ऑफ चार्ज, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। P4 plus 12 electrons plus 12 H2O, 4 PH3 and 12 OH negative. Balanced है, ठीक है। अब ये हमारे पास एक रिएक्शन आ गई और ये दूसरी रिएक्शन आ गई। अब इसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है, वी विल बी मल्टीप्लाइंग इट विद 3 एंड एडिंग बोथ, एड करो और आंसर बताओ। एड देम एंड गिव मी द आंसर।
हाँ जी बेटा बोलिए। फोर थ्री फोर, अच्छा 12 आया सारा काट के, 12 OH नेगेटिव प्लस 12 H2O, 12 H2 PO2 नेगेटिव प्लस 4 PH, ठीक है फाइनल इक्वेशन यही आई है। लेट मी चेक, एक मिनट बेटा मैं क्लियर करूंगी। 4P4 12 OH नेगेटिव 12 वाटर, ट्वेल्व एच टू पी ओ फोर पी ओ टू नेगेटिव एंड 4PH2, ठीक है बेटा बैलेंस है। क्या हुआ? हाँ जी जैकलिन, ठीक है आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई करना था ना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है। अच्छा इधर भी P4 था आपका, ओके 3+1 वो 4 हो गया। ठीक है होगी, राइट डाउन द नेक्स्ट वन। एसिडिक मीडियम की करो एक, ये चेक करना पहले की तो नहीं हुई है। Cr2O72 नेगेटिव SO2 की हुई है ना, MnO4 नेगेटिव SO2 वाली भी की हुई है, MnO4 नेगेटिव SO2 Mn2 पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, नहीं चलो ये वाली करो फिर, MnO4 नेगेटिव प्लस SO2 HSO4 नेगेटिव वाली की हुई है। अच्छा चलो कोई और कर लो, कोई बात नहीं ये कर लो फिर, इस मेथड से नहीं की हुई। चलो इस मेथड से कर लो फिर, MnO4 नेगेटिव SO2 Mn2 पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। चलिए दिस इज योर रिएक्शन, दिस यू हैव टू सॉल्व इन द बेसिक मीडियम एसिडिक, सॉरी दिस यू हैव टू सॉल्व इन द एसिडिक मीडियम। चलो करो बेटा, हाफ रिएक्शंस लिखो और इनको बैलेंस करो। ऑक्सीडेशन नंबर्स बताओ सबके, MnO4 नेगेटिव में Mn का प्लस 7, SO2 में प्लस 4, यहाँ पर तो प्लस 2 है, HSO4 नेगेटिव में प्लस 6, वेरी गुड। इंक्रीज किसका हुआ है? SO2 का इंक्रीज हुआ, तो ऑक्सीडेशन SO2 की हुई है, ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन में हम लिखेंगे SO2 दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू HSO4 नेगेटिव विद हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, वी हैव टू बैलेंस,
ऑक्सीजन यहाँ पर चार है, यहाँ पर दो है, कैसे बैलेंस करेंगे? दो वाटर लगा के, ठीक है? अगर इधर दो वाटर लगाए हैं तो दूसरी साइड है फोर एच पॉजिटिव। चलिए ये हो गई एक रिएक्शन आपकी। बेटा यहाँ पर फोर नहीं आएंगे, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं होगी, अदरवाइज थ्री आएंगे। हाइड्रोजन की भी बैलेंसिंग करनी है, जितने हाइड्रोजन दूसरी साइड कम है वो लगाने, ठीक है? तो थ्री लगेगा क्योंकि ऑलरेडी एक लगा हुआ। ओके, इसको कंप्लीट कर लेना।